अगर आप लोग गेमिंग पीसी कम्युनिटी में एक्टिव रहते हो तो आप लोग को इतना पता होगा, या आप लोग एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तो आप लोग ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस ज़रूर करी होगी कि जो पीसी पार्ट्स हैं उनका प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में। अगर सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो यहाँ पर जो रैम आपको 4000 to 4500 rupees की 8 GB की देखने को मिलती थी, वही रैम आज के टाइम पर आपको अमेजोन पर या अदर जो पीसी कंपोनेंट साइट्स हैं वहाँ पर आपको 2800 to 2900 rupees की देखने को मिल जाती है। तो बात करेंगे इसी वीडियो में इसके बारे में, क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हो रहा है, कौन कौन से पार्ट्स में आपको प्राइस जो है ड्रॉप देखने को मिल रहा है, एंड क्या प्रेजेंट टाइम में आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। तो इसी वीडियो में सारी चीज़ें करेंगे हम लोग डिस्कस। सो वेलकम टू द जी टेक गेमिंग चैनल, एंड अगर आपका भी इंटरेस्ट हो इन्हीं सब चीज़ों में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। मेरा नाम है जकी खान एंड आप देख रहे हैं द जी टेक गेमिंग चैनल। ना बात कर लेते इतना ज़्यादा पीसी पार्ट का जो प्राइसिंग है वो ड्रॉप क्यों हो रही है। तो अगर मैं सिंपल सिंपल आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये चाइना की जो फैक्ट्रीज थी, जैसे कि जो उनका वहाँ से रैम वगैरह आती है और जो हम लोग का SSDs थी एंड और भी जो पीसी पार्ट्स हैं वो चाइना से बन के आते हैं, तो जो उनकी फैक्ट्रीज थी वो पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वगैरह की वजह से लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पर बंद कर दी गई थी। बट उन्होंने बहुत ही जल्दी वहाँ पे कवर भी कर लिया था एंड मार्च के महीने में ही, यानी कि 1-1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को चालू भी कर लिया था एंड अपना जो स्टॉक था उनको मतलब बनाना शुरू कर दिया था, जो भी उनके प्रोडक्ट्स थे उनको बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इस वजह से उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइसिंग ज़्यादा हो गई थी तो जो शॉप वाले थे या ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहे थे इस चीज़ का, मतलब पीसी कंपोनेंट्स जो बेच रहे थे, उनका जो स्टॉक था उनके पास लिमिटेड स्टॉक था उस टाइम पर, तो इस वजह से प्राइसिंग उस टाइम पर बढ़ गई थी। बिकॉज उस टाइम पे थोड़ी बहुत डिमांड थी बट जो स्टॉक था वो भी बहुत ही लिमिटेड था, तो इस वजह से प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बट प्रेजेंट टाइम की बात अपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे चाइना की जो फैक्ट्री चालू हुई थी उन्होंने स्टॉक तो भर भर के बना दिया, तो उनके पास इतना ज़्यादा स्टॉक हो गया कि उनको अब स्टॉक को अपने क्लियर करना है। तो जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि रैम हो गई, SSD हो गई और भी पीसी पार्ट्स थे उसमें जो इनका स्टॉक ज़्यादा हो चुका है, तो उन्होंने जो भर भर के पहले रख लिया था उस टाइम पे डिमांड नहीं थी बट अभी डिमांड भी है एंड स्टॉक भी उनके पास, तो उनका जो स्टॉक है उनको क्लियर करना है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ काफ़ी जो पार्ट्स हैं आपको उसमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स हैं जिसमें आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा भी हो गया, यानी कि प्राइस वो थोड़े बढ़ भी गए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ जिनका जो सिलेक्टिव पार्ट थे इनका प्राइस बढ़ी हुई है वो हो गए हम लोग के प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक कार्ड्स। देखो यहाँ पे जो हम लोग का राइजन के प्रोसेसर है उनका प्राइसिंग थोड़ी बढ़ गई है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो यहाँ पे जो राइजन का 3600 है 16,000 rupees to 17,000 rupees का आपको देखने को मिलता था, बट प्रेजेंट टाइम में वही प्रोसेसर आपको 18,000 to 18,500 rupees का देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे स्टॉक उनके पास लिमिटेड है एंड डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज कोई बंदा भी अगर पीसी बिल्ड करता है तो AMD की तरफ जाता है, बिकॉज AMD आपको बेस्ट वैल्यू ऑफर कर देता है, जाना भी चाहिए AMD की तरफ, तो इस वजह से हर बंदा AMD की तरफ जाता है, तो AMD की डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है बट यहाँ पे सप्लाई कम है उनकी, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो प्रोसेसर में आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। वही बात ग्राफिक्स कार्ड की, तो मैं आपको बता दूँ जो NVIDIA के बजट सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स हैं, जैसे कि आपके 1650 सुपर, इनकी अगर प्राइसिंग की अगर मैं बताऊँ तो 1650 सुपर के एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो 14,000 rupees का आपको ये कार्ड पहले देखने को मिलता था, बट प्रेजेंट टाइम में वही कार्ड आपको 15,000 to 16,000 rupees का देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो अपना इंडिया, यहाँ पे बजट बिल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं अपनी इंडियन गेमिंग पीसी कम्युनिटी में, तो बजट बिल्डर ज़्यादा है इसी वजह से जो बजट के कार्ड्स हैं, बजट के ग्राफिक कार्ड्स हो गए या फिर बजट वाले प्रोसेसर्स हो गए, उनकी जो प्राइसिंग थोड़ी बढ़ चुकी है। बट जो NVIDIA के यहाँ पे थोड़े हाई एंड वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं, जैसे कि 2060 सुपर, तो आपको 35,000 rupees का देखने को मिलता था पहले, बट प्रेजेंट टाइम में ये ग्राफिक कार्ड आपको 32,000 rupees तक का भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे जो हाई एंड वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं थोड़े उनके प्राइसिंग यहाँ पे भी ड्रॉप हुई, तो मतलब काफ़ी तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं पीसी पार्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग ड्रॉप हो गई है, बट यहाँ पे कुछ की थोड़ी हाई भी हो गई है। तो प्रेजेंट टाइम में हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको पीसी बिल्ड करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे कि सिलेक्टिव पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे कि प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक कार्ड, इनकी प्राइसिंग हाई हुई है जो बजट वाले हैं, बट जो आपके SSDs हो गई, रैम हो गई, पावर सप्लाई और चीज़ें हैं उनका प्राइसिंग काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है एंड ड्रॉप भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप PC बिल्ड करने जा रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर एक बजट में बंदा बिल्ड करने जा रहा है 1650 सुपर या 16,000 से कार्ड लेने जा रहा है उस प्राइस में, तो आप प्रेजेंट टाइम में PC बिल्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी आपको प्राइसिंग अभी देखने को मिल रही है। एंड मैं आपको ये चीज़ और रिकमेंड करूँगा, थोड़ी बहुत साइट्स पर कंपेयर कर लेना तो और कहीं ना कहीं और ज़्यादा कम प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। वही जो लोग थोड़ा हाई एंड PC बिल्ड करने वाले हैं, जैसे कि 2070 पे 2060
निफ्टी सुपर पे, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि यार वेट कर लो, बिकॉज अभी प्राइसिंग जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप होने वाली है आपके प्रोसेसर में भी एंड आपके जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उनमें भी। तो देखो और भी रीज़न यहाँ पे हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिस वजह से यहाँ पे प्राइसिंग का ड्रॉप होना है, और जाहिर सी बात है प्राइस ऑफकोर्स यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप देखने को मिलने वाला। जो एनवीडिया है उन्होंने अपनी RTX 3000 सीरीज़ को अनाउंस कर दिया है, तो एनवीडिया की 3000 सीरीज़ भी आने वाली, तो जो 20 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स हैं और जो ग्राफिक कार्ड्स हैं इनके आएंगे तो आप उस पर बिल्ड कर सकते हो, नहीं तो 20 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड को भी बाय कर सकते हो, उनका प्राइस ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है। वही बात राइजन के प्रोसेसर की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे AMD भी अपनी 4000 सीरीज़ को बहुत ही जल्द यहाँ पे अनाउंस करने वाला है, लॉन्च करने वाला है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा आपकी थर्ड जनरेशन पे, जो राइजन की थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन है उस पर ड्रॉप देखने को मिलेगा, एंड जो न्यू जनरेशन आएगी अगर उस बंदा कोई बिल्ड करना चाह रहा है न्यू जनरेशन में तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। तो अभी जो PC प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप और भी होने वाली है, तो आप बिल्ड करना चाहते हो बजट में हो 40,000 50,000 रुपये PC बिल्ड करने वाले हो, तो मैं कहूँगा आप PC बिल्ड कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में। 16 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड ले लो, या सेकंड जनरेशन का राइजन ले लो, या थर्ड जनरेशन का इवन राइजन आप ले लोगे तो बहुत ही अच्छा ही रहेगा जो बजट वाले हैं उनके लिए। बट थोड़ा हाई एंड PC बिल्ड करने जा रहे हो तो मैं कहूँगा आपका वेट करना वर्थ इट है, बिकॉज न्यू ग्राफिक कार्ड भी आ रहे हैं एंड न्यू प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। बस यही था आज की वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।